खासतौर से म्यूजिक का इफेक्ट वो नहीं आता जो आना चाहिए, और क्योंकि आम तौर से लोग जो है नावाकिफ होते हैं संगीत के सिलसिले में, यही होता है। तो जाहिर बात है हमें आपको सबसे पहले तो हमारे 50 साल यौम आजादी के सिलसिले में मैं पूरे डागर परिवार की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद थोड़ी सी बात करने के लिए के बाद मैं अपना कार्य शुरू करूंगा। ये स्पीक मेकिंग का सिलसिला हम सब डागर भाइयों ने ही दिल्ली के अंदर शुरू किया, और आज ये सिलसिला जो है आपके सामने है। भारत के सभी छोटे बड़े कलाकार सभी जो हैं इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। आज ये स्पीक मेकिंग का जो खास मकसद है वो ये है कि हमारे युवा पीढ़ी के सामने अपनी परंपराएं, भारत की परंपराएं और उनकी कलाओं का सिलसिला आए, ताकि वो इस बात को समझ सकें, इसकी कदरें पैदा कर सकें कि आपके भारत के अंदर क्या क्या कुछ हो चुका है और अब भी क्या कुछ बाकी है। लिहाजा ये ध्रुपद शैली जिससे कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आज ये हम लोग जो हैं 19वीं जेनरेशन में आ गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं आज 20वीं जेनरेशन में हैं। जाहिर बात है ये जो गुरु शिष्य परंपरा है जो खानदानों के नाम से जानी जाती है, वो मेरी नज़र में एक खिदमत का नाम है कि ये लोग खिदमत करते आए हैं परंपराओं की। और जाहिर बात है ज़माने बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और बहुत सी बातें आती हैं अच्छी बुरी सामने आती हैं, लेकिन जाहिर बात है कि आज भी 1997 के अंदर आपके पास आपके सामने वो सिलसिला आ रहा है। तो जाहिर बात है ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग थे जिन्होंने इसकी हिफाजत करके आपके सामने यानी आज तक भी ले आए। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये ध्रुपद शैली, ये ध्रुपद संगीत वो संगीत है जो हमें परमार्थ को सुधारने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें रास्ता बताता है। पूजा कोटिगुणम स्तोत्रम, पूजा कोटिगुणम स्तोत्रम, स्तोत्रात कोटिगुणम जपय, जपात कोटिगुणम गानम, गाना पर करम नहीं। ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है हमारे यहाँ। बहरहाल इसका इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इस सिलसिले में डिटेल में कुछ बताऊं, लिहाजा मैं पहले इसका ध्रुपद का सिलसिला है, फर्स्ट पार्ट इसका आलाप होता है। आलाप के शब्द हैं, यानी आलाप एक ध्रुपद साइड में कंप्लीट सब्जेक्ट का नाम है। सिर्फ जाहिर बात है कि भगवान का नाम तो आता ही है, लेकिन एक सिस्टम के साथ किस तरह से होता है, तो इसका नाम है प्रकरण अध्याय। जो संगीत के चार अध्याय हैं उसमें एक अध्याय है आलाप का, प्रकरण अध्याय, जो हमें फुल्ली राग को बरतने के लिए हमें
रास्ता देता है, हमें हमारे पास गुंजाइश पैदा करता है। उसके शब्द हैं ओम अंतरम त्वम, ओम अंतरम त्वम तरण तारण त्वम अनंत हरि नारायण ओम। ओम से शुरू होता है और ओम पे समाप्त हो जाता है। आपने क्योंकि दुर्पद का कम सुनने में मिलता है आप लोगों को, इसलिए आप लोग इस बात से वाकिफ नहीं है, लेकिन जैसे जो आप और सुनते हैं, मैं नहीं समझता कि आप लोगों ने सुना है या नहीं, यहाँ इसका सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं, तो ख्याल सितार सरोद या और जितने भी वो वोकल हो या इंस्ट्रूमेंटल हो म्यूजिक हो, उसके साथ तबला बजता है, आपने देखा होगा। मगर दुर्पद के साथ ये पखावज बजती है जो इसका साथ है, और ये पखावज है, इसको साउथ के अंदर मृदंगम कहते हैं, वैसे ये मृदंग भी कहलाती है और पखावज भी कहलाती है, और संस्कृत में इसको मुरझरी भी कहते हैं, क्योंकि तांडव के वक्त जब इस भगवान शंकर ने तांडव किया है उस वक्त गणेश ने जो है ये मृदंग बजाई है, जिसको मुरझरी कहा जाता है। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको आप कल्याण में थोड़ा सा आलाप पेश करूंगा, उसके बाद फिर मैं हमारे बालकृष्ण जी के साथ निबंधित गाऊंगा। बराबर चलो। आवाज बनाने के लिए जरूरी है वॉइस कल्चर, तो जब तक कि फाउंडेशन कोई नहीं बनेगी तो गाया नहीं जाता। तो जाहिर बात है आवाज के लिए आप वोकल गाना चाहते हैं तो आपको वॉइस कल्चर करना पड़ेगी, अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो जाहिर बात है आपको हाथ कल्चर करने पड़ेंगे। तो इसका पूरा दुर्पद के द्वारा हमें पूरा योग कहाँ में मिलता है, तो इसको कहते हैं योगा। तो इसके द्वारा हमें आवाजों को सही बनाने का एक सिस्टम हमारे सामने आता है। बहरहाल नाच योग कहा जाता है इसको। अब ये मैं जैसे बैठता हूं, कहता चला जाऊं क्योंकि फिर बाद में बीच बीच में कहने में जरा वो होता है, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना है कि ये पूजा का एक सिलसिला है। इस आलाप में मैं जितना भी छोटा करूंगा, जरूर छोटा करूंगा इसको, लेकिन इसमें कहीं आपको आरती के मंदिर की घंटियां बजती हुई नजर आएंगी, कहीं आपको भगवान शंकर की जब आरती उतारी जाती है, पूजा होती है, तो डमरू बजाया जाता है, थाल बजती है, वगैरह वगैरह, वो आपको इसका आभास होगा वो इस आवाज के अंदर, तो आप देखिएगा। Ready?
रे 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 नू रे ने ने ते रे 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 ना रे ने 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 रे 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 सुना रहे हैं जिसमें राग कृष्ण और राधा का रास का वर्णन होता है। अच्छा के दर
La la.
रे ला ला ले अबे रे गोला ले ला ले ला ले ला ले ला ले अबे रे गोला ला ले गे दो Yeah.
भी रे गो ला ले ला ले ला 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 ले भी रे गो ला ले भी रे गो ला ले भी रे गो ला 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 गर्मी में ये इतने नीचे उतर कर आप लोगों को सुनाने के लिए कि देखो बेटे अपनी परंपराएं क्या हैं, ताकि आपके कानों में पड़ी रहेंगी तो आपको अपनी परंपराओं से और संस्कृतियों की कद्र पैदा होगी, क्योंकि ये कद्र की काबिल चीजें हैं बेटा। हमारा गाना पसंद ना है ये अलग बात है, लेकिन ये चीजें कद्र के काबिल हैं। हाँ गाओ थोड़ा सा उतरा दो। ये बात है अबे रे गोला ले लाले के तेरे रंग रंग बीजे कारी मरे दे ये बेरे